जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। जय गुरु। कहले सी जदि मत सड़ा साल कोई गाली गुलत करिए मु बातंकर कोन करबी। कहले आपण कोन भगवान? कहले काठ पाषाण रे चंदन सिंदूर मारी की लोक भगवान कहि की ताठो जदि उपकृत हो तो दादा कोन एते अयोग्य से किछि लोकंकर उपकार रे आसीबो ने किछि करि परिबो नाही। कहले तथा एथरे आपण को लाभ कोन हो? कहले ना ना मोर किछि लाभ ना। कहले आपण अयोध्या काहि की लोक पाखरे विभिन्न प्रकार समालोचित होती लोक आपन भगवान कह ईश्वर कहते इत्यादि इत्यादि कहते हैं। कहना मोर कि लाभ ना। लाभ हूँ से जो मैंने मोर स्तुति गान कर मनीष जार स्तुति गान कै जहाँ को भल पाए राति पाइले जहा कथा चिंता कै जहा कथा आलाप आलोचना कै तदनुपात चरित्र तैयारी जाए केवल ईश्वर भगवान को ही स्तुति गान कराए आउ कार स्तुति गान कर मनीष ईश्वर भगवान स्तुति गान कले ता भीतर ईश्वरत्वर परिस्फुट भाई सरोज भाई बोलते भजन ये भी ईश्वर गोटे भिन्न रूप जी परिमाण भीतर ईश्वरत्व जाग्रत होती परिमाण आपण मैंने समस्ते आम को सहायता दौरान ठाकुर कहले तुम भीतर ईश्वरत्व जाग्रत ना कहीं तुम केन्द्र नुहति ठाकुर भी नुहति फांकी दे पाइब से गोटे सुंदर कथा रामकृष्ण ठाकुर समय शुणी जड़े भक्त आसी पचारे रामकृष्ण ठाकुर कहले ठाकुर सिद्धि लक्षण कौन रामकृष्ण ठाकुर तो बेसी किसी कथबार्ता करती से निरुत्तर है प्रकोष्ठ को प्रवेश कले ये भक्त जन भाविले बोध ठाकुर मो कथ पसंद कले ना बा मो कथा अबांतर बोली मन कले तेना उत्तर देले ना। पुरुषोत्तम कि निराश करती सी कि कहारे की निराश करती ना कियत समय भितर खूब कम समय भितर परम पुरुष रामकृष्ण देव घर बाहर की आसिले दि हाथ दि खंड जिनस धरता कहले देख यहाँ हूँ खंडे चाउल यहाँ हूँ असिद्ध ये असिद्ध अवस्था तार गोटे धार अच्छी मनीषर अहंकार रूप गोटे धार थाए असिद्ध अवस्था मनीष जो सिद्धि लाभ कर तार अहंकार रूप गोटे धार थाए डाण हाथ धरची खंडे भात बोले यहाँ सिद्ध यार धारटा मरी जा तार अहंकार मरी जाए मानते मनीष सिद्धि लाभ कले तार अहंकार मरी जाए तार अकिंचन भाव जो मुझे मालिक रतान मो भर कि अभाव ना असुविधा ना कि द्वंद्व ना कि कथा ना आउ मे ठाकुर कहले सोहं कह ब्रह्मास्मि कह भक्ति अवलम्बन कर ना ये सोहं तुमको अधपतन को नहीं जीव मु भगवान सतान मु अकिंचनत्व भावटा मो भर परिपोषण हवा दरकार गरुड़ देखते गरुड़ सब बेले हाथ जोड़ी भगवान को चाहिए बसी था निर्देश को चाहिए सी जिते जहाँ निर्देश दिखती गरुड़ से निर्देश को परिपालन कर आम मैंने से भाव ठाकुर कहते ईश्वर कुकुर तु निष्ठार शिकुड़ी गलार परा डाकिले तु का आस ना डाकिले दूरे खड़ा ठाकुर को पचरा गला शिकुड़ा तो भिड़ा होता आप गलार पिंधा कथा किमी कौन श्री श्री ठाकुर कहते जो स्वेच्छाकृत भाव आपण मैंने बरण कर तेणु नहीं पिंधि निष्ठा रूपक शिकुड़ा को आप गलार परिधान कर डाकिले आसबे आज आचार्य देव डाकरा आसी साढ़े तीन कोटी दीक्षा यही डाकरा को आम मान अग्राधिकार दवा दरकार द्वितीय तो रामकृष्ण ठाकुर कहते देख यहाँ हूँ चाउल टा जो चाउल अवस्था अच्छी कठोर एवं अनमनीय अच्छी भांगी जीव बरंग ओह ना अहंकार लोक भांगी जीव बरंग ओह ना दुर्योधन को एत कथा कहगला से भांगी गला बरंग ओला ना क्या अहंकार लोक भांगी जीव बरंग ओडे हम ना चाउल टा क्रूर कठोर अनमनीय अवस्था था जो सीझी जाए भीतर गोटे सबमिशिव क्यारेक्टर गोटे स्थितिस्थापकता गुण नमनीयता गुण टा प्रकाश पाए तृतीय तो चाउल टा जो चाउल अवस्था थी से रंग गोटे रकम था जो सिद्ध हो गला भात हो गला रंग टाइ बदल देखा जाए अल्पाधिके निजर साधन तपस्या अनुसार गुरु भाई मान रंग भी बदली जाए गुरु भाई मान को लोक मैंने विश्वास करती भरोसा करती बिहेवियर तांकर आचार व्यवहार अन्य मान को बहु भाव परिप्लुत कर आज जो मैंने भारी पड़ते किए संगीतज्ञ भाव किए वक्ता भाव किए नीति निर्देश दार्शनिक वैज्ञानिक जो मैंने ठाकुर पाद पद्म आसी सौभाग्य पितामाता सुकृत सर्वोपरि ठाकुर करुणा धन्य से सेमाने बाहरी आसी लोकलोचन करे ठाकुर बार्ता परेषण करने इनडायरेक्टली ठाकुर को परेषण कर लोक मैंने भितर ठाकुर को अनुभव करुवर आकर्षित होकर ठाकुर को आकर्षण आस
ये आकर्षण टा आसुची केमिति ना चुंबक टा जे भली चुंबक लुहा संस्पर्श रे आसिले लुहा टा चुंबक संस्पर्श रे आसिले से चुंबकत्व प्राप्त हुए से बोले ठाकुर को वर्तमान रे एकाधार सी होतंती माने ब्रह्म एवं ब्रह्मविद तांको वर्तमान रे आचार्य देव होजन से ब्रह्मविद ठाकुर कहउजंती श्री वरदा गोटे बाणी थी श्री वरदा कहते ब्रह्म लभे के तद बेता के सामने रखे मकस करे जी ब्रह्म किए लाभ करे जी ब्रह्मविद को आखि आगे रखिकी प्राक्टिस करे अभ्यास करे व्यवहार करे से ब्रह्मत्व लाभ करे आखि आगे न रखिले कौन सी धर्मशास्त्र केवे अभ्यास करहब ना विभिन्न भूल भाल भूल भ्रांति रे सत्यानुसरण पड़ी आम मान ठीक बुझी पारे ना सत्यानुसरण ठाकुर कहते हैं हेलो किसी असुविधा है कि भाई ना ना कहतु कहतु सत्यानुसरण श्री श्री ठाकुर कहते कई तुमको दोषी करने पूर्व कातर भाव निज दोष स्वीकार कर मुक्त कलंक हब मुझे प्रथम पढ़िली भाविल ठाकुर तो कलंक मुक्त कही पारि था मुक्त कलंक कहीं कहली ना से ठाकुर प्रति भल पाइबा हू बा बारंबार पाठ करने द्वारा हू से बुझी गला जे मुक्त कलंक मान कलंकित हवा आगु मान दोषी सब्यस्त हवा आगु मु स्वीकार कर कलंकर ऊर्ध को पल तेणु मुक्त कलंक कलंक मुक्त मान कलंकित हवा पर जी मुक्त हुए से कलंक मुक्त कहुए ये सामान्य सामान्य तफात यहाँ गुरुमुख ना बुझा जाए ना से कहते प्रथम गुरुमुख ही जीवन रद्धारकर्ता आम मैंने जहां गुरुपद वरण करथित तो गुरु नुहति सी हूँ स्वयं परम ब्रह्म जगन्नाथ हूँ निराकार एवं निर्गुण तांकर साकार रूप हूँ भगवान कृष्णचंद्र आज श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र दस हजार वर्ष पाई गोटे आकलन कर आचार्य परंपरा भितर देखी सी रे आमर एक दिग्दर्शन भितर कई मानने अपभ्रंश कर अपप्रयोग कर ठाकुर बाणी थी धर्म जखन विपाक बाहन व्यर्थ अर्थे थाए तखन प्रेरित आविर्भूत हन पापी परित्राण पाए कई आतर द्वंद पुरे पारे ना कारण आचार्य परंपरा से रक्षा कर तथापि आकलन कर दस हजार वर्ष पाई कह प्रयोजन पड़े मुझे कारण कौन ना पृथ्वी जो बर्तन हूँ मुझे बर्तित रूप से न आसे सी तो थे आसते रामचंद्र रूप से बारंबार कहीं सी आसुचान सीए पृथ्वीर बर्तन अनुसार बर्तित रूप से न आसिले बर्तित मानव को दिग्दर्शन दब किए से सी आसती रामचंद्र समय लैपटप नाला कि कृष्ण समय एक 47 नाला आज भारत सरकार इतिहास भितर संविधान भितर खाता खतियान भितर सत्संग बहु कथा रही मान मानेक्षा कथा रही समस्त जानते मुझे कह समय दीर्घ करने को चाहूना किरण बानर्जी कथा रही टेररिस्ट रामाशंकर कथा रही विभिन्न लोकंर कथा रही भारत सरकार ये भितर एवं सत्संग एक्सपेनसन ये वृद्धि प्राप्त होने समस्त जानते जे वर्ल्ड रोटे बड़ संस्था हूँ यूनेस्को यूनेस्को सत्संग को गत उन्नीस मसीह अक्टोबर मस 4 तारीख रोटे सर्टिफिकेट देजनाइजेसन ठाकुर अनुकूलचंद्र क्या सर्टिफिकेट बसीभूत नुहतं किए चोर कहले किसी फरक पड़े ना किए भगवान कहले कि आह्लादित हमें ना जहा सी से तेज जहा सर्टिफिकेट देखते सत्संग ऑनेस्ट एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड पृथ्वी सब ऑनेस्ट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हूँ सत्संग आ पूजनीय बाबाईदा प्रचेषार सत्संग जे प्रकार कलेवर वृद्धि पाई मार्जित होती विभिन्न प्रकार संस्कार संस्कृत कर वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्टा भारत सरकार ग्रहण कर ठाकुर अनुकूलचंद्र लोक बंचापी सी हिंदू मुसलमान ख्रीटियान भितर बंधा नुहत सी कहते सत्संग चाहे मनीष से हिंदू मुसलमान ख्रीटियान जे के हूँ ना कहीं चाइनीज हूँ कि जापानीज हूँ से किसी कथा ना केवल जीवन कथा चाहे कितु पृथ्वीर जो मैंने विशिष्ट विशिष्ट जननायक से मानसिक रोगग्रस्त होती जो थे कि मनीषर जीवन चाहती ना मुझे आक्षेप करास्तव सत्य कथा आप चिंता करूँ तो शास्त्र कहते जिते बड़े लोक रोगग्रस्त जिते बड़े लोक विपदग्रस्त जिते बड़े लोक अस्त्र विहीन से सहित युद्ध करा जाए ना पृथ्वीर गोटे 220 राष्ट्र जो कोरोना अफेक्टेड होती से चाइना
युद्ध डिक्लार कर चिंता करूँ के रुग्ण मानसिकता अवस्था से मानकर अच्छी पृथ्वीर मुरबी लोक एमने बड़ बड़ लोक किंतु जन सत्संगी लोक ठारे बहु गुण से कम सत्संगी लोक राति पाइले चाहे मुझे बंचे मोर परिवेश इमिडियट परिवेश बंची रही जहाँ प्रक्रिया सत्संगी लोक जारी रखी था तेणु कहार उद्देश्य हूँ भगवान तो किसी स्वरूप ना भगवान आपण मान भर प्रकटित आश्वर स्वरूप बाबद रामकृष्ण ठाकुर बेकानंद को कहते भगवान जल तीन टा अवस्था अच्छी ईश्वर तीन टा अवस्था अच्छी ईश्वर हूँ प्रथमत निराकार सी हूँ ब्रह्म ठाकुर को आम कह ओम ब्रह्म पर ब्रह्म मान ब्रह्म कंडेन्सड फर्म हूँ श्री श्री ठाकुर परवर्ती अवस्था तेणु सी हूँ प्रथमत निराकार ये निराकार अवस्था भगवान को देकर लोकंर किसी कम हुए ना मुझे बिल मझे जा पचार प्रभु मोर पुदेह खराब कौन करी कि तो उत्तर मिले ना आ जहा उत्तर मिलक पढ़ला भाया मोर जंत्र कम कर तेणु से निराकार भगवान आमर किसी कम ना निराकारवादी मान अनेक समय फांकीर अधिकारी हो जाती मन को जहा आसे भगवान तो सब कर भाविकी अनेक भूल भाल करी निजर एवं निजर परिवेश सर्वनाश करी जेतबे निराकार सेतबे धरी रखा भाया आम ताकत नथा द्वितीय तो जल जमी गोटे अवस्था था फ्लेक्सीबल अवस्था तरल अवस्था भगवान से गोटे तरल अवस्था अच्छी से तरल अवस्था सी हम तरल जिनसटार किसी आकृति न था मठिया पुरेले मठिया ग्लास पुरेले ग्लास भगवान को चोर कह प्रभु आज जदि माल पाई जाए कल सका नड़िया पठेबी जहा घर चोरी हो कहि चोर दाऊ रखापे कल सका नड़िया पठेबी भगवान क्या कथा शुणी ठाकुर ए संक्रांति गोटे बाणी कहते देवतार पाए माथा की फांकते चाष बाघाते माल देवता की तेर उत्तर एडे बेकू फांकित देवे जाए समाप्त तेणु भगवान भगवान नुहति आप जहा कह से कथा सी शुणी से राजी हे एक नुहे तथापि फ्लेक्सीबल अवस्था बेले बेले भगवान दे दिए नियम कहते निराकार भगवान पाखे आम तो न्याय पाइबा ना से का देह खराब है डाक्तर पाक जावा डाक्तर भितर भगवान जी जाग्रत सी आमको से सहायता दे पार फ्लेक्सीबल अवस्था जे बेले बेले भगवान दया कर गोटे गोटे लोक दे दिखती जन बुढ़ी माँ ठाकुर पाखे कांदुले कहले परिणत बयस है पुह बो बाहर रोचा पुह को पाठ पढ़े भल चाकरी कला भल जगार बाहला आई परिणत बयस मो सेवा शुश्रूषा करने मो मुहर पाणी देवाई कि लोक ना श्री श्री ठाकुर कहले तू तो माँ सब भगवान पाखे प्रार्थना कलु जे मो पु भल पाठ पढ़ु भगवान मंजूर करदे तु डाकिलु कहीं तु नेलु कहीं केलंका टी डाक नेलु कहीं सी तो इच्छा जा दे तुम इच्छा ही मो भर मूर्त हो पा सरेन्डर कर तु कहलु भल जगार बाह भगवान राजी हो गले कले तु कहलु बड़ चाकरी करू कला किंतु तु तो कही नु मो पु पितृमातृ भक्त हौ कि देश प्राण हौ कि देश सेवक हौ कि तो मागि नु तु जहाँ मागि भगवान देखते आम बेले बेले भगवान को मागू मोर यहाँ हई जाऊ अरे यहाँ भितर मोर कौन असुविधा हम से कथा तो मत जाना नाथाए से मागिकी बड़ अड़ुआ पड़े थे शिव कहते पार्वती कहते शिव को गोटे अंध पिला जाऊ रास्त कह देख भगवान क्या दिखती क्या न दिखते भगवान पाखे अदेह किसी ना ये जहाँ चाहिए समस्त कोई तेज लोक भाई तारतम्य भलमंद कौन पाई ना ये क्या जदि गोटे गाड़ी आसी बुलेट गोटे कंपानी आसी बुलेट गाड़ी गोटे गोटे आप समस्त आप समस्त चढ़ी पलैबे ना जार जी चढ़ी पार सी ही चढ़ तेणु भगवान समस्त कैपेबल करने गोटे प्रक्रिया गोटे बाट दे जो थे सी आपे आपे सब हम ताक किसी दबा को पड़ो नहीं भगवान देदेले मनुष्य मुंडा हो निष्क्रिय हो भगवान कार्य किसी दिखते गॉड नेवर पनिश एनीबॉडी नॉर रिवार्ड एनीबॉडी ए जीसस माने जीशु ख्रीष्ट कहते तेणु सी कार्य किसी दिखते कि प्रक्रिया जो थे से पाए आ सी दरकार पड़े दे भी पारती छपर फाड़ी दे पारती नहीं भी जापार शिव पार्वती कहते शिव को ये सुंदर पिलाटी तार आखि ना अंध करदेल शिव कहते भाग्यर बा ना आमती आखि दे था सेठ पार्वती कहते तुम तो देल ना भाग्यर ना कहीकि खसी जाऊ कहीं जहा माँ मान कथा तो मान पुरुष लोक बेले बेले खसी जाती शिव से तार आखि खोलदेल जब आखि खोलदेल देखाला से कौन कला ना पोखरी गुड़ा गोटे आंब गए
से आंब गचटा पोखरी भितर को नईकि सोइथा सेतिक बेले पिला माने से आंब गच चढ़ी पोखरी भितर डेंकि जल खेली करती जल जल क्रीड़ा करती ये जब आखि खोलीगला तो बाउंश गोज तैयारी करके से पोखरी भितर पोतिला लोक सब पिला सब इंजोर्ड हेले शिव कहले देखिल ताकू आखि दिया ही नथिला सेइपै सिए जा दियंती सेइटा ही मंगल जहा नहीं जाती ता भी मंगल राजा हरिश्चंद्र ठाकुर गुरु सब किस नहीं गले से अवस्था जी तिष्टिकार ईश्वर भगवान रास्ता चलते सहज ना दया बिना से अवस्था जी तिष्टिक रही पार प्रति विश्वास निर्भरता रखी पार सी जाष्टि ना तिष्टि पार कबीर दास कहते जे तनु विष की बिलीड़ी गुरु अमृत की खान सी बदले सदगुरु मिले फिर भी सस्ता दाम ये शरीर टा हूँ विश्वर गोटे खाड़े आ गुरु हूँ अमृतर खणी मुंड बदल गुरु मिले तथापि सस्तार पाइल बुझा पड़े एथर ठाकुर दयाल अवतार आया करके ब्राह्मण चंडाल कहारी साधन तपस्या न देखिक समस्त को बांटि चलती ब्रिटिश गवर्नमेंट आसिक पहुंचला जो ओडिशा रे चा लंच है इंडिया रे से बड़ बड़ अफिसर मान चा खाया को बाध्य करागला अफिशियल लेवल बाध्य कराला बड़ बड़ अफिसर मान चा न पीले सी अफिसर हो पारे ना गोटे टी कमिशनर निजुक्ति करागला मागणा लोक चा दिगला से घरे चा पीछे कि नाई से देखागला स्टेशन मानक ये चा बिस्कुट मागणा दिगला लोक पटे जमी चा लगला से बिस्कुटा पैसा निगला चा टा फ्री रे दिगला बर्तमान बिस्कुट टैक्स चा टैक्स चिंता करकी डाकी कही 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 से दीक्षा नौ नौले बर्तमान खोजुं कौटू दीक्षा नेबी कौन करी आमती भाव मुक्ति लाभ कर अभाव परिश्रांत मन धर्म बा ब्रह्म जिज्ञासा कै ना कैना भगवान आउ गोटे स्वरूप हूँ सी हूँ विग्रह रूप से कंडेन्सड फॉर्म बरफ जल जमी गोटे अवस्था अच्छी घनीभूत अवस्था भगवान गोटे घनीभूत अवस्था अच्छे से हमारे साकार रूप मान बरफ को रक्षा कहले स्वतंत्र टेम्परेचर दरकार बोतल मुह से पशु ना भाईना म्यूट हो गले म्यूट हो गले ए प्रक्रिया भीतर तांकु लोक अनुभव करथुला जे सी अछंती ए तांको उपस्थिति रे को अनुभव करिया पई जो प्रक्रिया सेटा हो जे विग्रह पूजा ए विग्रह रूप रे पूजिले आमा ग्रह रो विपाक आसीते ना पारे एटा गोटे भजन बोलाउतला विग्रह रूप रे मनुष्य रे सी अछंती विश्वास थाए मनुष्य केबे दुष्कर्म करि परिबो नाही सेतिमे विग्रह रूप रे पूजा होतला आम सब पाठशाठ पढ़ले छुआ मान पाठ पढ़ले छुआ देखिले ठाकुर तो खाऊ ना ठाकुर तो शो ना तेनालीत बड़ घर कौन दरकार आई छोटे 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 ठाकुर बर्तमान को ठणारे से भल मंदिर रोचान ठाकुर दुर्दशा कहले नुसरे श्री श्री ठाकुर कहते तो पर भितर ठाकुर घर टाइम प्रोमिनेट हम लोक पशिगले जमी भितर गोटे ठाकुर भाव सृष्टि हुए गोटे बार्ता अच्छी कहते कहले लोक तीस वर्ष चालीस वर्ष पचास वर्ष दीक्षा नेला से ता घरे जो विग्रह पूजा से विग्रह कौटी पोक काटे देलानी कौटी डिस्फिगर हो गलानी कौटी रंग खराब हो गलानी से विग्रह को नूतन विग्रह स्थापन करी से विग्रह को जल रे विसर्जन करा जाई पारे एथरे कोनो असुविधा नाही घरे बहुत ठाकुर घरे बहुत हजार रकम ठाकुर देवा देवी आम पूजा कर ससम्मान रखा जाऊ किंतु ठाकुर स्थानटा जो प्रोमिनेट रुए जमी लोक घरे पशिगले से ठाकुर को अनुभव करे से भाई भाव ठाकुर घटा रहा दरकार जन माँ समस्त सहित कली झगड़ा करती श्री श्री बरदा से माँ को बहुत पसंद करती थे कहगला लोकटा तो अत्यंत कदर्ज लोक समस्त झगड़ा कजिया कै श्री श्री बरदा कहते कहले देख से ठाकुर को जो भाव रखी भितर अंतर्निहित भितर टाइम अत्यंत स्वच्छ अत्यंत सफा ठाकुर को भल भाव रखी आउ गोटे कथा माँ मान बाबा दा गोटे दायित्व देखते आप समस्ते जानी थे माँ मान अवसर समय संघबद्ध भाव एक जीवा कही ना गोटे जड़े भाई जन गोटे पर भर को गले गेस्ट रूम पर्यटन जापर ता दांड दुआर पर्यटन जापर जड़े पुरुष लोक जड़े माँ चाहिए तार किचेन पर्यटन जापर तार बेडरूम पर्यटन जापर तेणु से
से कहते संघबद्ध भाव जा विभिन्न लोक ठाकुर किभली भाव अवस्थान कर देखी तार कौन अहंकार बाधा सृष्टि नक से प्रक्रिया भितर प्रशंसित कर समस्त निराकरण करने जाजन कर दीक्षा करने बाबा कह आम दीक्षा नहीं कि ठीक हम चलिए आम गोड़ा थैथान हेले तो प्रथम मोर पर मोर परेश बड़ी बड़ी चलो आचार्य देव श्री दादा को जन एक भक्त प्रश्न कर दादा ठाकुर हूँ सत्य युगर प्रतीक सत्य युग के श्री श्री दादा स्मित हास्य कह तु दीक्षा नहीं चु आज्ञा सुस्त समस्त कर दिवाली प्रार्थना करती ना आज्ञा करती आरुजन मान को प्रणाम करती ना करती सब कथा से हाँ मारे कह तो घर तो सत्य युग आरंभ होती जिते लोक कर सत्य युगर पर सरकमस्टाते बढ़ी बढ़ी चलो 1945 मसीह मालिका विचार अनुसार सत्य युग आरंभ होती ठाकुर समय सीमा को गोटे निर्देश कर युग परिवर्तन एभली नुहे जे काली आज राति पाइला लाइट लिभिगला राति सकाल लाइट जल्ला बेलू गदटा घोड़ा जा एक हुए ना आप जानते गोटे बणुआ घोड़ा खाद्य अन्वेषण बुली बुली तार जेनेशन चेंज हो गला से जीराफ रूपातरित हो गला मनीष से बर्तित हुए ये बर्तित होगा बहुत समय लगे ये जो आपण मैंने से बर्तन रास्त पाद दे गोटे नूतन युगर प्रतिष्ठा यहाँ हूँ बास्तव आ लोक दीक्षा नवा कथा कहले सी से दुनिया खसा बुणव से सब कह गुरु ग्रहण कर समस्त तो आम अल्प बहुत गुरु ग्रहण कर भंड बाबा सब जो आरेस्ट होते लोकंर धारणा थी जे सत्संग गोटे विराट बम फुटब आई रीति मान सब हल हल विदा होते कि कड़े तो हेलानी मोर जन बंधु मत पचार अरे तुम तो किसी कड़े हेलानी मैं आमर बाबा ना कहीं आमर तो निजे स्वयं मालिक विश्व ब्रह्मांड सृष्टिकर्ता होंगे मालिक आम भगवान सहित नेदेण कर भगवान को देखी बोले खाली देखी घर को बस भड़ा के कहीदेवी कह तुम गोटे मनीष को भगवान करके जात्रा नगे कह ना ना मनीष को भगवान ना आपणकर भगवान किए कहतु कहले आमर भगवान हूँ कृष्णचंद्र रामचंद्र मुझे से मनीष नुहत कि गाँ को गाड़ी घोड़ा कौन चलुन कि काशी वृंदावन मथुरा को कौन बस ट्रेन जाऊन कि कहे हाँ तो जाऊँ मु तोर तो विश्वास ना से भगवान बोली आम भगवान सहित कारबार कर भगवान कौन घर अच्छी कह जो भगवान घर ना आमर किसी नेन देन ना ये लोक फांकी फांकी दे कि दीक्षा न ना फांकी दिए सी कहे मुझे सूर्य को पूजा करती आम मैंने समस्त भी सूर्य पूजा करती प्रतिदिन सूर्य को आंजुले पानी दिखती कि सूर्य पुराण आमिष आहार निषिद्ध करें जानती ना जीक रही पार दिन फिस्ट पिकनिक भलमंद भोजी भात करती तेरे गोटे लोक बाबद गोटे कथा गप कर मोर वक्तव्य सांग करी संत तुलसीदास बहुत दिन आगुरी भगवान भविष्यवाणी कही कली युग लोकर चरित्र हूँ या जे पैसा मेरा आत्मा राम लड़का मेरा शाड़ग्राम पौर तो मेरा गुरु मैं कई से पूजा करू गोटे लोक कहला कहला मुझे सूर्य को पूजा कर दिनाकर सूर्य हूँ सकल शक्तिर आधार पूजा कले सब कि फल मिल से पूजा करती पूजा कौन गुरु ग्रहण न कले कौन पूजा कौन जना पड़े से दिने देखला सूर्य को कला मेघ ढांकीदेला भाविला कला मेघटा ता शक्तिशाली ना सूर्य भाई महाग्रह को कमी ढांकिला कला मेघ को सूर्य को छाड़ी कला मेघ को गुरु कला लोक ये गुरु परिवर्तन करा चले ठीक जगह न पहुंचे बारंबार परिवर्तन करिया पड़ो ताले लोक कहे तू गुरु त्याग कलु से आमर भी अच्छी अवधूत कौन 24 गुरु करते मुझे गोटे छाड़ी से दिने देखला पर्वत बाधा पाई कला मेघटा बृष्टि करा पर्वत शक्तिशाली से बेल खराब पड़ा पर्वत को गुरु कला दिने देखला गोटे मूषा पर्वत गात करती कहला अरे मूषा टा ता शक्तिशाली ना पर्वत भितर गात करमी रोचे मूषा गोटे पाड़ी पूजा कला दिने विराड़ी आसी मूषा को मारदेला जदि मारदेला कहला विराट टा ता शक्तिशाली सेठ विराड़ी की पूजा कला गाधे जाइए आसी विराड़ी खाया पीवाक दब आसला विराट टा मरिक पड़ी ता स्त्री की पचारा विराड़ी केमी मला कहला विराड़ी टा कौन गोटे खाईदेला मुझ बाहर पीटदेली तो मरीगला सेठ ता स्त्री गोटे तेल लम्ब हो पड़गला कला लो तु ये थाउ था तु हूँ सब शक्तिशाली ना विराड़ी केमी मारू तु ये थाउ था मुझे चारिड़े बुलिकी गुरु खोजुची तेणु मनीष सर्वनाश बेले जाए कौटी पहुंचे आप चिंता करूँ तुलसीदास से बहुत दिन आगे कही पैसा मेरा आत्मा राम लड़का मेरा शाड़ग्राम उत मेरा गुरु मैं कई से पूजा करू तेज जा मान परिचा कर
କୁହନ୍ତୁ, ଖୁବ ଆଲୋଚନାଟା ଖୁବ ହୃଦୟ ହଉଛି, ଆଉ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ହେଲାଣି, ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସହଜ ବିଶ୍ୱାସ କଥା, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଗୋଟେ ସହଜ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ସେ କାଲି ଜଣେ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସେ କହୁଛି ନାମ ଏମିତି ଭାଇବ୍ରେସନ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ଏତେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆମକୁ ବେଳ କାହିଁ, ଆମକୁ ତ ଆମେ ତ ଠଅ ମଡେଇ ଶିଖିନୁ। ଏ ଠ ଠ ମଡ଼ 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 ଲୋକର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସେଟ୍ କରିଦିବ ସେ ସବୁ ଚିତ୍ର କରିଦେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ସିଏ ମୂଳରୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯଜନ ଯାତନ ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି ସୁସ୍ଥନୀ ସଦାଚାର ମାନିକି ଚଳିବା ପାଇଁ। ଏଇ ସଦାଚାର ବାବଦରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିରାମିଷାସୀ, WHO କହୁଛନ୍ତି ନିରାମିଷ ଆହାର କଲେ ଯେ କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମ୍ ରହିବ, କରୋନାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନିରାମିଷ ଭୋଜୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କଥା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇନି ହୋଲ୍ଡର ନୁହନ୍ତି, ସଠିକ ଭାବରେ ନିରାମିଷାସୀ ନୁହଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ ଦୁଃଖର କଥା, କାହିଁକିନା ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମାଛ ମାଂସ ନିମ ପତା ମସୁର କଲାଇ ଅଦା ବେଲ କାଞ୍ଜି ରବିବାର ଖାଏ, କ୍ଷୀଣଜୀବୀ ଛେଲେ ମେ ତାର ଘରେ ଜନ୍ମ ନିଏ, ମରଣେର ମୁଖେ ଛୁଟେ ଯାଏ, ଅଦା ମଧୁ ରବିବାର ଖେ ଯାରା ଭୁଲ କରେ, ରୋଗୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ତାରା ହୁଏ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଦୁଗ୍ଧ ବ୍ୟତୀତ ଦୁଗ୍ଧ ରକ୍ତ ଶାକ ସମ୍ଭୂତ ଜମ୍ବୀର ଓ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯତ ଆମିଷେର ସମତୁଲ ଭୋଜନ ଘଟାଏ ଭୁଲ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବିଭ୍ରାଟ ସକତ। ଆମେ ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମିଷର ଆକ୍ସନ ଥାଏ, ଯାହାର ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଗନ୍ଧ ସ୍ୱାଦୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ତା ଆମିଷ ସଦୃଶ, ଯେମିତି ଅଙ୍ଗୁରରୁ କିସମିସ, କିସମିସରୁ ମଦ, ମଧୁର ଆଉ ଅଙ୍ଗୁର ମିଳିବନି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଛି ଯାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖିଆଯାଇ ନପାରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜଣଙ୍କ ରୀତିଙ୍କି କାଳେ କହୁଥିଲେ ତୁମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ନିରାମିଷ ହବା ଦରକାର, ଏଠି ମୁଁ ତ ରୀତିକି ମୋ ଘରକୁ ତ ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ଶୁଣ ଯାଏ ନା, ମୁଁ ଠାକୁର କଣ କହୁଛନ୍ତି ନିରାମିଷ ହବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ ତୁମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମିଷର ଆକ୍ସନ ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେ ମାନେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ବିକଳ ହୁଅନ୍ତି, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଦୋକାନ ଖୋଜନ୍ତି, ଭାଇ ଏଟା ନନ୍ ପିଆଜ ଦୋକାନ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା, ଆଉ ସେଠୁ ଯାଇକିରି ଖାଆନ୍ତି ସେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଦୋକାନରେ କେତେ ଦିନର ବାସି, କିଏ ତିଆରି କରିଛି, କୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ତିଆରି କରିଛି କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ଖାଇଯାନ୍ତି। ଏଇ ଖାଇବା ଭିତରେ ଦେଇକି ମଣିଷର ଅସୁସ୍ଥତା ବଢେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ବହିରେ ଆପଣ ମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଉଣା ଭାତରେ ଦ୍ୱିଗୁଣ ବଳ, ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ନ ଖାଇକି କିଛି ହାଲୁକେଇକି ଖାଇବାଟା ଉଚିତ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଇଂଲିଶ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି ପିଓର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର ଡାଏଟ୍ ଫର୍ମସ୍ ଦି ବେସ୍ ଅଫ୍ ଧର୍ମ। ଡାଏଟ୍ ମେ ବି ପିଓର, ଇଟ୍ ମେ ନଟ୍ ବି ପ୍ରପର, ଖାଦ୍ୟଟା ପିଓର ହେଇପାରେ, ପ୍ରପର ନହେଲେ, ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ନହେଲେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଆହାର ନହେଲେ ତାହା କିନ୍ତୁ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଲୋକର ମଙ୍ଗଳରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ମାନି ଚାଲିବା ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯଦି ଆମେ ମାନେ ନ ମାନି ପାରନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସବୁଆଡେ ଆପେ ହେଇଯିବ, ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କେହି ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଏ କରୋନା ଯେ ଆଜି ଆସିଛି ଆମେ ତାକୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ୱେଲକମ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନସିକ ସଦାଚାର ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସାମ୍ନାରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା ଯେ ୱେଲକମ୍ ସ୍ୱାଗତମ ଆସନ୍ତୁ ନମସ୍ତେ, ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଥିଲା, ଏଇ ଦ୍ଵାର ସାମ୍ନାରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା, ଏବେ ସେ ସବୁ କୁଆଡେ ଉଠିଗଲାଣି। ଏବେ ଲେଖା ହଉଛି ବି ଆୱାର ଅଫ୍ ଡଗ୍, କୁକୁରକୁ ସାବଧାନ। ଆଗରୁ ମାନେ କୁକୁର ପଶିଯିବ ବୋଲି ମଣିଷ ଜଗୁଥିଲେ, ଏବେ ମଣିଷ ପଶିଯିବ ବୋଲି କୁକୁର ଜଗୁଛନ୍ତି, ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କିଛି କାମ ନାହିଁ, କୁକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କାମ। ମଣିଷର ମାନସିକତା ବହୁ ଭାବରେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ସିଏ ବିଲ୍ କ୍ଲିଣ୍ଟନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୃଥିବୀ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନେ ପୃଥିବୀର କଲ୍ୟାଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅକଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଉତ୍କର୍ଷ କରିଛି, ଏଇ ବିଜ୍ଞାନର ଦୁରୁପଯୋଗ ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ପଶିଛି। ମାନସିକ ସଦାଚାର କହିଲେ ଗୋଟେ ବିସ୍ତାରିତ ଜିନିଷ, ଯୋଉ ଗାଈ 5 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲା ସେ 50 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦଉଛି, ସେ 15 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, 5 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛି, ସେ କ୍ଷୀରକୁ ଯିଏ ଖାଇବ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନସିକ ସଦାଚାରତାର କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଇଷ୍ଟ ଭୃତିରେ ଦୀକ୍ଷା ବଞ୍ଚେ, ଶରୀର ବଞ୍ଚେ କର୍ମେ, ସଦାଚାର ସମାଜ ବଞ୍ଚେ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ ଧର୍ମେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ତାକୁ କହେ ନିଜର ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଯୋଗାଣ ପାଏ। ମୁଁ ଧାନ ଚାଷ କଲି, ଚାଉଳ ପାଇଲି, ଖାଇଲି, ତାର ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୋଷିଲା, ତାର ଯୋଉ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବାହାରିଲା ସିଏ ଅନ୍ୟ ପୃଥିବୀକି ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳା କଲା। ତେଣୁ କହିବାର କଥା ଏଇ ଯୋଉ ସାଇକେଲିକ ଅର୍ଡରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ତିଆରି କଲେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକିରି, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମେଡିସିନ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କ୍ଷୀର, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଘିଅ,
ये सब पृथ्वी ध्वंसर मुख्य कारण है बर्तमान प्लास्टिक की कौटी रखिए बाट पाऊना वैज्ञानिक मान मुनि ऋषि मान जहाँ करते तार सुदूर प्रसारी प्रक्रिया रोला एवं आम जहाँ सब तार प्रक्रिया भिन्न ढंग रोचे तेणु से सावधान हवाक पड़ो माँ मान दया पृथ्वी उत्कर्ष होता आपण मान को जो माँ मान जन्म देते से मानी धर्मशिला स्वामी परायण रत्न गर्भा स्वर्ण गर्भा माँ आ पृथ्वी कमीगले तेणु माँ मान असावधानत पृथ्वी आज ध्वंस हवाक बस जिते चोर खंट बदमाश सब ये माँ मान जन्म ना विज्ञान उन्नति से भाव आइनस्टाइन कहते साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम आ रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड जो धर्म भितर विज्ञान ना विज्ञान भित्तिक नुहे अंधविश्वास जो विज्ञान धर्म पृष्ठपोषकता न करे अथर्व लोक कल्याण आसब ना आप चिंता करके बुझे मुझे बेस समय ना चाहू ना गोटे छोट गप कह मोर वक्तव्य सांग करी जे गुरु जहाँ कहती कंटा कंटा माने पड़ो तो गपटा ना हूँ सियाणिया विपर्जय जने तांत्रिक तंत्र साधक थिले सीए शिष्य मान को लेकिन चलते बात्या फात्या आश्रम टा धूलिसात हो गला गुरुदेव कहले कहले खंडे खंडे पत्थर धर एठ पलि जा तेणु स्वाभाविक लोक स्वाभाविक भाव खंडे खंडे पत्थर धरले गोटे सियाणिया अस्वाभाविक लोक अस्वाभाविक लोकर अस्वाभाविक ढंग आम मान भर अस्वाभाविकता बहु भाव रही जजुंदा इष्टवृत्ति भितर मनुष्य भितर स्वाभाविकता सृष्टि हुए तेणु सी अस्वाभाविक लोकटा कहला गुरु तो कही पथर खंडे नापाई के बड़ पथर तो कहीना से सब खंडे छोटिया पथर पकेट पकेला चलला चलाखिया किसी बाट गला प्रबल भोक है गुरु कहले समस्त पथर को रख मु अंतर करदेवि खाद्य सामग्री हेज तुम्हें खाइब खाई भोक निवारण कर समस्त भल भाव भाव खाद्य फलमूल हो गला यार गोटे बरकोली है क्या छोटिया पथर खंडे आउ खाई किमी बचीब कहला अरे यथर ठकी गले आउ ठकबे गुरुदेव कहले आउ खंड खंडे पथर धर ये चाल खाई सारापर से आउ खंड खंडे पथर धरले सियाणिया कौन कला चलाखिया जी सी गोटे विराट पथर धरला किसी बाट गला गोटे विस्तीर्ण खोला जगह पड़ा गुरुदेव कहले जहा पथर को जिते बाट जी पक पार से बर्गर गोटे गोटे रूम करके गोटे गोटे प्रकोष्ठ करके आश्रम करके रहा समस्ते 50 फुट 20 फुट 30 फुट दूर को पथर पकईदे या पथर मात्र 3 फुट दूर पड़ला क्या विराट पथर गोटे मुंडे के दूर खोपाड़ आोपाड़ी पार्ला ना से भी ठकिला तापर गुरुदेव कहले काठ बांश किसी जोगाड़ कले सीना आश्रम या चाल आने बाटर गोटे पड़ा अरमा काच कंटा जगह जो चली हबनी गुरुदेव कहते दीदी खंड पथर धर चल ये सियाणिया कौन कला ना कहने बड़ कला छोट धरली तो ठकिली बड़ धरली ठकिली खंडे छोट धरला खंडे बड़ धरला चलला ये जिते बड़े अरमा रास्ता पड़ा गुरुदेव कहले सब पथर को रख मु हले हले मंत्र करदेवि हले हले चपल हो समस्त पिंधिक समस्त स्वाभाविक भाव में हले हले चपल है यार पटे है बड़ आ पटे है छोट ना व्यवहार करवहार कर तेरे जाऊ ये घड़ी सन्धि अवस्था आम आम समस्त प्रार्थना हवा दरकार सर्वे भवंतु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्चित दुख भाग भवेद कहवा भितर जदि कारी किसी कष्ट दे था भूल भ्रांति कही था निज गुण क्षमा करेंगे ये कही आप कृतज्ञता जनईकी रही जय गुरु।